वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का व्हाइट एजुकेशन में। दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट है ये हर दिन सुबह 9 बजे आपको पब्लिश किया जाता है आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट एजुकेशन पे। दोस्तों इस मॉक टेस्ट को अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन ना रह जाए जो कि आप छोड़ कर आएँ। 75 क्वेश्चन का ये सिनारियो जो कि आपके जीके जीएस करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल से रिलेटेड रहते हैं। इस वीडियो को जरूर देखें आप लोग और अटेंड करें। 75 में से मैंने यहाँ पे 60 का कट ऑफ रखा है, 60 को पार कर लीजिए समझिएगा कि आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन 60 एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ मैं, सही सही की, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं इस मॉक टेस्ट को लगाने जो कि सेट नंबर है यहाँ पे 43। और जो भी मेरे भाई बंधु इस चैनल पे नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों शाम को 8 बजे ये मॉक टेस्ट दिया जा रहा है बिहार दरोगा स्पेशल, तो इस मॉक टेस्ट को जरूर देखें। ये बिहार के दरोगा के लिए मेन्स के पेपर को यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है। तो आज का ये जो 8वां सेट है ये मॉडल सेट पेपर, इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है इसको देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं देखा है तो अभी जाके जरूर देखें। ये सुबह में 9 बजे रोज आपको पब्लिश किया जाता है यहाँ से मॉक टेस्ट, तो इसको अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली आप लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए और आपको बता दें कि जो भी मेरे भाई बंधु वाई टी एजुकेशन पे नए हैं वो प्लीज़ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको शेयर किए जाते हैं। चलते हैं इस टेस्ट की तरफ। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है ये रहा आपके सामने, एक बार वीडियो फिर से शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग जुड़ सकें इस टेस्ट में। तो पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो देखिए ऋग्वेदिक काल की अगर हम बात करें ना तो उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ करता था। जिनका भी उत्तर ए आ रहा है वो आप ए कीजिएगा। और ऋग्वेद जो है, जो हमारा ग्रंथ है ऋग्वेद, ये दोस्तों सबसे प्राचीन ग्रंथ है पूरे विश्व का, इसलिए आंसर हमारा क्या करेंगे इसको ए संस्कृत कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वह चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, चोल शासक थे राजेंद्र प्रथम, नोट कर लीजिएगा। राजेंद्र प्रथम ने पूर्वी भारत में गंगा नदी के तक सफल सैनिक अभियान के पश्चात गंगई कोंड की उपाधि धारण की थी। किसका नाम लीजिएगा तो राजेंद्र प्रथम, आंसर हमारा बी कर लीजिएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिएगा फटाफट, आंसर देखते हैं क्यूज कितने लोग यहाँ पे आंसर कर पाते हैं सही सही। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत से व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपियन थे दोस्तों, इट्स ए पुर्तगाली, आंसर हमारा ए कर लीजिएगा। और सबसे अंतिम अगर भी पूछे ना तो सबसे अंतिम में छोड़कर पुर्तगाली ही गए थे, जो कि हमारा स्टेट है गोवा, वहां से सबसे अंत में पुर्तगाली ही गए थे यहां से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा था। चलिए उस महल का नाम बताइए जल्दी से, आंसर कीजिएगा दोस्तों मैसूर महल था वो उसका नाम, ठीक है आंसर हमारा ए हो जाएगा। मैसूर में ही है, मैसूर शहर भी है जहाँ पे ये टीपू सुल्तान का महल है। देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिएगा दोस्तों जल्दी से, देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे, तो आंसर कीजिएगा इट्स अ सी चित्तरंजन दास, आंसर हमारा सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गुज्जर किस राज्य से संबंधित है। देखिए गुज्जर जो है एक जाति है, ठीक है, और ये किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर करेंगे यहाँ पे इट्स अ डी जम्मू कश्मीर। और देखिए गुज्जर लोग जो हैं वो कुछ राजस्थान में भी हैं, ठीक है राजस्थान में भी हैं और कुछ हरियाणा के क्षेत्रों में भी फैले हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन अगर 4 ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आंसर आप जम्मू कश्मीर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, इसका आंसर जल्दी से नीचे कमेंट कीजिएगा। 3 सेकंड का समय देते हैं आपको यहां पे। बिल्कुल अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, यहां पे बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो कि पृथ्वी की तरह, जैसे कि चंद्रमा का ग्रह, पृथ्वी का ग्रह उपग्रह जो चंद्रमा है उसी तरह इनका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है आंसर हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसके युग्म बिंदु हैं। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, बिल्कुल ये सम वर्षा के युग्मक बिंदु होते हैं, आंसर हमारा सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं कितने लोग यहाँ उत्तर इसका सही कर पाते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है। बिल्कुल अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों कि मध्य जून से सेप्टेम्बर तक ये दक्षिण पश्चिम मानसून का समय कहलाता है। जी हाँ, जून और सेप्टेम्बर में ये मानसून आते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से दोस्तों, आंसर इसका डी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय होता है।
आंसर कीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करेंगे। भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय होता है, आंसर कर लेंगे इट्स बी, जी हाँ 82.5 डिग्री देशांतर, आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो ये पॉलिटी से क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर भी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों इट्स सी, विधानमंडल के द्वारा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, चलिए आंसर करेंगे दोस्तों जो धारा 303 आर्टिकल 302 लगता है वो हत्या के लिए लगता है, तो आंसर हमारा ए कर लीजिएगा। यह आप किसी का मर्डर करते हैं तो यहाँ पे धारा 302 के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में अंतिम दिन कहाँ बिताए थे, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे दोस्तों इट्स बी, श्रवण बेला गोला में, नोट कर लीजिएगा इट्स श्रवण बेल गोला में, आंसर हमारा बी हो जाएगा। जिनका भी उत्तर बी आ रहा है बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 14 समझिएगा कि यंग इंडिया जो है वो पत्रिका है उसकी शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया था, बिल्कुल आंसर करेंगे तो डी, महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पे ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहां है, चलिए ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, यहां पे आंसर करेंगे, मिक्स सारे वीडियो मिलेंगे आपको, देखिए क्यूज इतना मिक्स होना चाहिए ना कि कहीं से भी क्वेश्चन कहीं से डाल दे, आपको ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन का आंसर देना है ताकि फटाफट आंसर देते चले जाएं, वहां पे भी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और बहुत इजी प्रश्न आने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट जो फर्स्ट चरण का परीक्षा हुआ है उसका पेपर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो सोच सकते हैं कि कितना ईजी पेपर आने वाला है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे दोस्तों इट्स ए, मुल्ताई नगर, आंसर हमारा ए हो जाएगा दोस्तों, चलिए नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, बिल्कुल अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों इट्स ए, यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 85 जी हाँ आर्टिकल 85 की बात हो रही है यहाँ पे, संसद के दो सत्रों के बीच समय अंतराल किसके अधिक नहीं होने चाहिए, तो कितने से अधिक नहीं होने चाहिए भाई, यहाँ पे आंसर जल्दी से कीजिए, आंसर जिनका ये आ रहा है 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, उत्तर बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, फटाफट आंसर करेंगे, बिल्कुल अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे प्लूटो, अगर ये प्लूटो का नाम दिया है तो इसको कीजिएगा सबसे छोटा, देखिए क्योंकि अभी हमारे सौरमंडल में ना सिर्फ 8 ग्रह हैं, ठीक है 8 ग्रह ही बचे हुए हैं टोटल, जिसमें कि प्लूटो नहीं है अब, ठीक है, लेकिन अगर प्लूटो का नाम दे कहीं तो आपको आंसर वहाँ पे छोटे में सबसे छोटा प्लूटो, और नहीं रहे तो बुध ग्रह को लगा देना है, ठीक है। चलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे दोस्तों धर्मपाल ने किया है, आंसर हमारा डी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष घटित हुई थी, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष घटित हुई थी, तो उत्तर जिनका आ रहा है दोस्तों यहाँ पे इट्स ए 1789 में, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों जल्दी से ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे किस गवर्नर जनरल ने हड़प राज की हड़प नीति का सिद्धांत अपनाया था, देखिए ये क्वेश्चन भी बता चुका हूँ, राज्य की हड़प नीति दोस्तों आपको बता होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 79 की बात अगर करें तो इसके अनुसार संसद का अभिन्न अंग कौन होता है, बिल्कुल यहां पे राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों होते हैं अभिन्न अंग, ठीक है तो आंसर हमारा डी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पे क्वेश्चन नंबर 23 लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, बिल्कुल अगर आप उत्तर करते हैं यहाँ पे 552 तो ये उत्तर बिल्कुल सही है दोस्तों, आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि राज्य के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, झूठा है यहाँ पे ये कथन, 24 का आंसर कीजिएगा दोस्तों जल्दी से, बिल्कुल अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों कि इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं, ये गलत बात है यहाँ पे दोस्तों, आंसर कीजिएगा 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, राज्यसभा है ना, हाँ 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित में से देश की सर्वोत्तम है,
क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे दोस्तों कि राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित में से किस देश में सर्वोत्तम है, तो आंसर करेंगे दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका USA। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 26 कि पंचायती राज किस क्या है जो कि निधि फंड के लिए मुख्यतः उस पर निर्भर होती है, तो फिल इन द ब्लैंक्स को भरना यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों। पंचायती राज जो है एक प्रशासनिक ढांचा है, ठीक है, और यह जो है कि निधि जो है के लिए मुख्यतः केंद्रीय सरकार पर आर्थिक अनुदान पर निर्भर करती है, तो आंसर हमारा डी कर लेंगे यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है, तो भारत और तिब्बत के बीच जो सीमा रेखा उसका नाम बताइए जल्दी से। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चाइना के बीच में ही यही रेखा है, ठीक है, भारत और तिब्बत के बीच में भी यही रेखा है, ठीक है, कौन से, तो मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित स्थान पर थी, चलिए 28 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स ए श्रीरंगपट्टनम, आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इट्स ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है, चलिए 29 का आंसर करेंगे दोस्तों 70%, जी हाँ समुद्र जो है पृथ्वी पर करीब 70% क्षेत्र में फैला हुआ है, बाकी 30% में हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जी हाँ यहाँ पे राजकाज की भाषाएं क्या थी, क्या हैं एक्चुअली, 30 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं क्या है, तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चाइनीज है, रशियन है, अरबी है और स्पेनिश भी है, आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए आंसर कीजिएगा 31 का अब कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, आंसर हमारा सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया, देखिए आंसर आपका आना बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी क्वेश्चन पे, जो लोग यहां पे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स कर रहे हैं वो समझिएगा वो चीजें उनको याद हो जाएंगी, एक बार लिख दीजिए देखिए कितना फटाक से वो चीज आपको याद हो जाएगी, और आपको मैं बता रहा हूं कि जितना लिखिएगा कोई भी चीज को वो उतना ही ज्यादा दिन तक आपको याद भी रह सकेगा, ठीक है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहां पे कितने दिनों तक के शासन किया है, तो इट्स किसने किया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया सबसे अधिक दिनों तक शासन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शिशु नाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी, बिल्कुल आंसर करेंगे सरसी वैशाली बनवाई थी दोस्तों, नोट कर लीजिएगा बिहार में है वैशाली अभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 34 पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है, 34 का आंसर करेंगे दोस्तों इट्स सी गंगा और सोन के तटों पर ये बसा है, ठीक है संगम है यहाँ पे सोन नदी का और गंगा नदी का, ठीक है कहीं पे पाटलिपुत्र में जहाँ पे टच करता है सोन नदी में, सोन नदी जो है गंगा में जाकर ही मिलती है प्रवाहित होती है, और सोन जो है ये मध्य प्रदेश से निकली हुई एक नदी है, इसका उद्गम स्थल अमरकंटक है याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि दिन और रात कब बराबर होते हैं, जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है तभी दिन और रात बराबर होते हैं, आंसर बी कर लेंगे। एशिया का सबसे लंबा सड़क सेतु कहाँ स्थित है, चलिए आंसर करिएगा दोस्तों 36 का यहाँ पे इट्स अ डी मोकामा में, आंसर हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है, बिल्कुल अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे इट्स अ सी चीन सागर, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवनों का उदाहरण है, चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा 38 का यहाँ पे इट्स अ बी व्यापारिक पवनें जो हैं ये स्थायी रूप से एक व्यापारिक पवनें होती हैं जो कि पवनों का उदाहरण है स्थायी पवनों का। अगला क्वेश्चन है दियारा भूमि से आपका क्या तात्पर्य है, बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों इट्स अ सी जलोढ़ मैदान। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे रणथंबोर क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, बिल्कुल अगर आप उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे बी आंसर कीजिएगा दोस्तों खिलजियों की राजधानी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक उपबंध निलंबित रहती है, जल्दी से आंसर करेंगे कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत लागू जो आपात स्थिति होती है उसके दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध निलंबित होती है रहते हैं, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों मूल अधिकार, जी हाँ आंसर सी कर लेंगे जो कि निलंबित रहती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लक्षद्वीप नामक द्वीप
निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। लक्षद्वीप नामक द्वीप किस स्थान पर स्थित है? तो आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए अरब सागर। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? चलिए आंसर कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। बिल्कुल आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों अगर सी यहाँ पे, गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ बी हवाई द्वीप को जाना जाता है दोस्तों, प्रशांत महासागर का चौराहा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? देखिए खेल जगत से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और खेल जगत में मैंने जितने भी स्टैटिक जीके आपको कराए हैं, आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, जाके देखिए प्लेलिस्ट में जितने भी अभी लेटेस्ट जितने भी स्टैटिक जीके दिए गए हैं तो सभी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बहुत कम लोगों को वो नोटिफिकेशन गए हैं और वो लोग देख पाए हैं। ठीक है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? 45 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जल्दी से उत्तर कीजिएगा, इट्स अ डी फुटबॉल से, जिनका भी उत्तर आ रहा सही है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है? चलिए साइंस का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों 46 का, इट्स अ ए बल आघूर्ण है ये अदिश राशि इनमें से। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक ढके हुए बर्तन को अगर स्थिर तापमान पर रखा जाता है तो सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है और फिर इसमें लगातार भाप छोड़ी जाती है, बर्तन में भाप का दाब क्या होगा? बिल्कुल पहले बढ़ता है फिर उसके बाद यह स्थिर हो जाता है, आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? चलिए आंसर कीजिएगा, इट्स बी डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट, आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में। ठीक है, इस पर बिग बैंग थ्योरी जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? बिल्कुल अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, इट्स अ बी अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि यदि विद्युत प्रवाह एवं वोल्टेज 90 डिग्री के फेज से बाहर है तो पावर क्या होगी? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों 50 का यहाँ पे, जी हाँ पावर जो होगी वो शून्य हो जाएगी, आंसर हमारा डी कर लेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कैलोरीमीटर सामान्यतः क्या बनता है? आंसर कीजिएगा, तांबे से बनता है, आंसर हमारा ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है? सुचालक नहीं, रोधक है ये, आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी कपास का धागा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या है? बिल्कुल 53 का आंसर करेंगे, एक समान होती है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे देखिए 53, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या है? तो एक समान होती है, आंसर सी कर लीजिएगा 53 का। अच्छा परम दाब क्या है? 54 का आंसर करेंगे, जी हाँ गेज दाब प्लस एक बार, आंसर हमारा ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं? बिल्कुल आंसर हमारा बी कर लीजिएगा, लंबाई, जी हाँ इसको हम लोग क्या कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को इसको लंबाई कहते हैं, ए और बी के बीच की दूरी, मान लो ये दो बिंदु है इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, इसकी लंबाई कहेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा कम करती है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा 56 का, ए विद्युत अवक्षेपण को द्वारा होती है, ठीक है काम करती है जो। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? 57 का आंसर करेंगे दोस्तों, अम्लीय वर्षा होती है मुख्यतः किसके कारण, SO2 इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गन धातु जो होती है वो एक मिश्र धातु होती है, किसकी होती है दोस्तों, आंसर कीजिएगा नीचे, जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग यहाँ पे। बिल्कुल ये होती है दोस्तों CuSn और ZN का, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंसर हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ सी CO2 का हम लोग उपयोग करते हैं, सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, जो कि शीतल पेय जल में CO2 गैस होती है। ओके अगला क्वेश्चन है कि जिन परिवर्तन किस में होता है? 60 का आंसर करेंगे, DNA के जरिए, जी हाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, DNA के जरिए। अगला क्वेश्चन देखें, आंसर ए हो जाएगा।
पनीर बनाने के लिए किस किण्वक का प्रयोग करते हैं? आंसर करेंगे रेनिन का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? इट्स अ ए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है, किसमें होता है दोस्तों हाइग्रोमीटर का प्रयोग? तो अपेक्षित आर्द्रता मापने में इसका उपयोग होता है हाइग्रोमीटर का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 63 कि जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करती ही कराती है तब निम्नलिखित किस परिणाम में परिवर्तन नहीं होता है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स ए आवृत्ति, आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि शुष्क सेल की क्षमता यानी कि विभव क्या होती है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों इट्स अ बी 1.5 वोल्ट होती है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? 65 का आंसर करेंगे दोस्तों इट्स अ डी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, आंसर हमारा डी हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लेंगे 65। माइटोकॉन्ड्रिया का पौधों का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, याद रखिएगा, और इसमें एंजाइम द्वारा कोशिकाएं जो होती हैं वो श्वसन करती हैं, ठीक है। ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, तांबा तथा जस्ता किसका मिश्रण है? आंसर करेंगे दोस्तों इट्स अ सी, पीतल का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है दोस्तों, आंसर करेंगे अवतल लेंस से, और दूरदृष्टि को तो उत्तल लेंस से, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं और दूरदृष्टि दोष में निकट की चीज़ें जो हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। आंसर हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे, तो नोट कर लेंगे। 68, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है? जी हाँ, नेटवर्किंग यानी कि संचार में सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? चलिए आंसर कीजिएगा। देखिए वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा जाते जाते, और वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अपने फैमिली मेम्बर को भी शेयर कर सकते हैं आप लोग, जो ग्रुप है आप लोग का फैमिली मेम्बर का, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ने में इच्छा रखते हैं और उनके पास मटेरियल नहीं पहुँच रहा, तो आप लोग के जरिए जा सकता है ये मटेरियल उनके पास भी, तो वो लोग भी क्यों अटेंड कर सकते हैं। 69 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चेचक के टीके का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? बिल्कुल एडवर्ड जेनर, आंसर हमारा क्या हो जाएगा इट्स अ सी, इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है? बिल्कुल आंसर करेंगे 5 से 6 लीटर तक खून होता है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर करेंगे इट्स अ बी, ताप युग्म में, आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि पानी और चाक जिसे हम लोग खड़िया कहते हैं, इस मिश्रण को पृथक यानी कि अलग किया जा सकता है किस विधि के द्वारा? आंसर करेंगे अवसाधन के विधि के द्वारा किया जा सकता है अलग इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो पेट में अगर जीवाणु हो जाए तो उसको नाश करता है दोस्तों HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आखिरी प्रश्न है, ग्रीष्मकाल में सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र का ताप कम होता है और शोषण कम करता है, जबकि वहीं काला वस्त्र जो होता है वो गर्मी को अवशोषित करता है, अलग अलग किरणों को भी अवशोषित करता है काला रंग, लेकिन सफ़ेद उसको अवशोषण नहीं करते हैं, कम करते हैं, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं, इसलिए गर्मी कम लगती है सफ़ेद कपड़ों में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास जो 75 प्रश्न थे, इन 75 प्रश्नों में आप लोगों ने कितना उत्तर सही किया ये कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसका PDF हम लोग आपको शेयर कर देंगे वाइट एजुकेशन के टेलीग्राम पे, तो आप लोग आज इस सारे PDF को भी डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा जाते जाते। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा।